ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आरएलपी संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मंगलवार को एक बार फिर सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने दर्जनों गांवों में जनसंपर्क करके पार्टी के उम्मीदवार सीताराम नायक के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस दौरान आयोजित हुई चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजदूर, किसान व गरीब के हितों की लड़ाई लड़ रही है, जबकि भाजपा कांग्रेस आपस में साठ गांठ करके सत्ता हासिल करने में लगे हुए हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने बताया कि उन्होंने ताल छापर अभ्यारण को राष्ट्रीय अभ्यारण घोषित करवाने व इसके मध्य से गुजर रही सड़क पर एलिवेटेड ब्रिज बनाने के लिए संसद में मांग उठाई थी। बेनीवाल ने बताया कि नोखा से सुजानगढ़ क्षेत्र के गांवों से होते हुए सीकर तक जाने वाली लंबित रेल परियोजना को लेकर भी उन्होंने देश की लोकसभा में आवाज उठाई थी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि महाराणा प्रताप देश के गौरव है और भाजपा में इतना घमंड आ गया है कि पहले उन्होंने प्रताप की प्रतिमा को पैर में रखा और अब भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने जिस तरह भाषण का प्रयोग करते हुए महाराणा प्रताप के संबंध में टिप्पणी की वो शोभनीय नहीं है। वहीं पार्टी के उम्मीदवार सीताराम नायक ने कहा कि आरएलपी सुजानगढ़ के विकास में कोई कसर नहीं रखेगी और वो जनता के मध्य रहकर क्षेत्र के विकास कार्यों को करेंगे। बता दें, आज सांसद हनुमान बेनीवाल सुजानगढ़ क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क करेंगे। वहीं खीमसर विधायक व सुजानगढ़ में आरएलपी के प्रभारी नारायण बेनीवाल ने कहा है कि 15 अप्रैल को आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल कातार छोटी ग्राम में सुबह 10 बजे व सुजानगढ़ में दोपहर 3 बजे विशाल सभाओं को संबोधित करेंगे और उक्त सभाओं में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से आएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।